वो भाई ये मेरी है, मेरी वाली को फूल देने की हिम्मत कैसे की? नहीं भैया, ये मेरी है। क्या कहा काटूं? अरे नहीं, एक ही बची है, कम से कम इसको तो मत छीनो, सब कुछ छीन लिए हो। प्लीज तुम लोग लड़ो मत, तुम दोनों ही मुझे पसंद हो। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की वीडियो बनाकर YouTube पर पब्लिश करके बहुत सारा पैसा कमाना, तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। इस कोई भी स्टेप मिस मत करना। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी पिक्स आर्ट एप्लीकेशन की, जिसको हम ओपन करेंगे। ओपन करके हमें वो इमेज सेलेक्ट करनी है। तो ये वाली दोस्तों, यूट्यूब से स्क्रीनशॉट ले लेनी है और हमें जिस जिस हेड की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें हमें क्रॉप कर लेना है। दोस्तों, पिक्चर में से हेड को क्रॉप करने के बाद बैकग्राउंड से भी हेड को क्रॉप कर लेंगे। पहले तो इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब इसको हम बैकग्राउंड से भी क्रॉप कर रहे हैं। देखिए, हेड पर क्लिक करके यहाँ पर बैकग्राउंड से क्रॉप हो रहा है। अभी दोस्तों, जो कुछ बचा ईयर वगैरह क्रॉप नहीं हुआ है, तो इसको हम टूल की मदद से क्रॉप कर लेंगे। अब ये बैकग्राउंड से भी सिर क्रॉप हो चुका है। अब हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसी प्रकार से दूसरा कैरेक्टर का भी हेड को क्रॉप कर लेंगे। इसको अपनी गैलरी में सेव कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरा कैरेक्टर जिसका हमें हेड चाहिए, उसको भी इसी प्रकार से क्रॉप कर लेंगे। पहले हेड को क्रॉप करेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड से भी क्रॉप कर लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार क्रॉप होगा। तो दोस्तों, इसी तरह जिन जिन कैरेक्टर के सिर चाहिए हमें ठीक इसी प्रकार से क्रॉप कर लेना है। उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं और इसमें क्या करना है। अब एक बार बैक आने के बाद फिर से एक बार पिक्स आर्ट को ओपन करेंगे। अब इसको पिक्स आर्ट को ओपन करने के बाद एक ग्रीन बैकग्राउंड को ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि बैकग्राउंड ग्रीन क्यों ले रहे हैं। तो ग्रीन बैकग्राउंड लेने के बाद इसको थोड़ा क्रॉप कर लेंगे, थोड़ा छोटे साइज में कर लेंगे। तो यहाँ पर क्रॉप हो चुका है। अब हम उन हेड को इसमें ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हमने तीन हेड तैयार किए हैं अपने कार्टून वीडियो के लिए। अब हम इन सभी हेडों को नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करके ग्रीन स्क्रीन पर रख लेंगे। दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए आप समझ लेना, कर लेना। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से कर लेना। दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये ग्रीन स्क्रीन वाला फंक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ब्लैंक हो जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं हिट जोड़ रहा हूँ लेकिन ये ब्लैंक हो जा रहा है। तो आप समझ चुके हैं, इसलिए आप कर लेना। तो ग्रीन स्क्रीन पर हेड रखने के बाद अब हमें किस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आगे देखते रहिए। तो दोस्तों, मगलाइफ एप्लीकेशन का नाम है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर कैमरा रोल पर क्लिक करने के बाद गैलरी में जाएंगे। गैलरी से फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे ग्रीन स्क्रीन वाली। यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वाली फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद मगलाइफ में डालेंगे तो उसका दिमाग कुछ इस तरह हिल जाएगा। अब नीचे की तरफ आएंगे तो थ्री डॉट है, यहाँ पर मोर लिखा हुआ है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आएंगे नीचे। ट्रेंडिंग का ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद 3% का जो वीडियो चल रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा हेड इस तरह बोलने लगेगा, बिल्कुल जिस तरह के आप अदर वीडियो में देखते हैं। तो अब हम इसको सेव कर लेंगे। कॉर्नर पर एरो के बगल है, उसको क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो वीडियो लूप पर क्लिक करेंगे और हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। तो सेव हो गया है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्टून में एनिमेशन दे देना है, जिस तरह पहला वाला किए थे उसी तरह दूसरा वाला भी। नीचे स्क्रॉल करते हुए मोर पर क्लिक करेंगे
और 3 पर्सन के जो बोलने वाला वीडियो चल रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा हेड बोलने लगेगा। इसको भी सेव कर लेंगे। इसी प्रकार से अगला भी कैरेक्टर को बुलवा करके सेव कर लेंगे एनिमेशन डाल करके। तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी काइन मास्टर एप्लीकेशन की। तो चलिए काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। काइन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पर वो वाली पिक्चर सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें वीडियो बनानी है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद खींच कर लंबा कर लेंगे। अब इस पे दोस्तों सबसे पहले इन सब तीनों कैरेक्टर के हेड को बदलना है, इनके सिर को बदल देना है। लेयर पर जा कर के ग्रीन स्क्रीन वाले हेड को लाएंगे जो भी बोलता नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, हमने दो तरह के हेड सेव किए थे, एक बोलता हुआ एक नहीं बोलता हुआ। तो इनमें नेक्स्ट बाय नेक्स्ट सभी में लगा देंगे और खींच कर उतना लंबा कर लेंगे जितना लंबा हमारा पहली वाली लेयर है, उतनी लंबी लेयर तीनों को कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर के हेड को लगा लेना है। यहाँ पर फुल लेयर करके ग्रीन स्क्रीन को क्रॉप करके यहाँ पे लगा लेना है। अब तीनों का हेड लग चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करके जो बोलने वाला हेड था उसको लगाएंगे। आप देख सकते हैं एक बार तो हेड लगा चुके हैं लेकिन दूसरा लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये बोलने वाला है वो नहीं बोलने वाला है। तो ये लग गया, अब दूसरा भी लगा लेंगे। इसी प्रकार से ग्रीन स्क्रीन को क्रॉप करते हुए ये भी लग गया, अब तीसरा भी लगा लेंगे। दोस्तों जो शुरुआत में वीडियो बताया हमने दिखाया है वो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। अगर आप अपने वीडियो में यूज करना चाहते हैं तो वीडियो को डाउनलोड करके वहां से कट करके आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी लग गया, प्ले करके देखेंगे। दोस्तों देखो पहला कैरेक्टर बोल रहा है, उसके बाद दूसरा बोल रहा है, उसके बाद जो तीसरे में लेडी है वो भी बोल रही है। अब इस प्रकार वॉइस ओवर करके एक कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं, कॉमेडी वीडियो बना सकते हैं और यूट्यूब पर पब्लिश करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियो बहुत ही जल्द वायरल होती है।